मुझे समझती क्या है पैसा क्या है तू जान भी ले ले। दिक्का नहीं चाहिए मुझे कोई दूजा तुसा कोई हॉट ना है तो तू तारा। भाई कॉलेज में फयाज के भाई रजाक ने। बेटा बाइक रोक, थोड़ा हल्का होना है रे। जल्दी कर यार। हेलो ए फयाज, उठकर मुंह हाथ धोकर बाहर आ जाओ। तुम्हारे लिए खास पार्सल आया कुरियर से, बाहर आकर देख लो। ए, अभी वो कौन बोल रहा है तू? ए चल जल्दी यहां से निकल। बाहर बोरी में कुछ है। ए मुन्ना क्या है ये? किसी की बॉडी लगती है। या अल्लाह ये क्या हो गया? रजाक मेरे भाई मार डाला मेरे भाई को। या अल्लाह अब मैं क्या करूँ? रजाक क्या हो गया मेरा भाई? ये बलराम के आदमी का काम है भाई, मेरे भाई हमारे रजाक को उन्होंने मार डाला। उन लोगों को अब हर किसी में छोड़ना भाई, नहीं छोड़ना। छोड़ूंगा नहीं तुझे बलराम। खुद को संभालिए, बदला लेने का टाइम नहीं है। देखिए लाख कोशिश करने के बाद भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि उसे मिनिस्टर का सपोर्ट है। सही टाइम देकर उसे टक्का देंगे। मेरे भाई को मार डाला उन लोगों ने। नहीं भाई, नहीं भाई। बलराम ऑफ किया या फुल? एक फुल, दूसरा मिस हो गया। कौन मिस हुआ और कौन टपका? फयाज के भाई रजाक को टपकाया और उसका चेला मिस हो गया। वाह, फयाज का भाई गया, शाबाश शाबाश बलराम। इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फयाज के भाई का नाटक ज्यादा हो गया था। परसों अपने लड़कों को भेदी बाजार में किसी काम से भेजा था, वहां वो साला बहुत उड़ रहा था। मैं ही उसे टपकाने वाला था, पर इतने में तुमने उसको टपका दिया। मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है, बोलने से पहले काम खत्म कर देना। ठीक है, तुम्हारा कोई काम है क्या? मेरे चार पट्टों को लॉकअप से छुड़ाना है। ये काम मुझ पर छोड़ दो,
कल तुम्हारे आदमी तुम्हारे साथ होंगे। ओम नीलकंठाय नमः, ओम जगदीश्वराय नमः, ओम जगपते नमः, जग उद्धार काय नमः, ओम परमात्माय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, हरि तत्समेव। ओम नंदीश्वराय नमः, ओम कैलासपते नमः, ओम ओमकाराय नमः, ओम कपालेश्वराय नमः, ओम कमलेश्वराय नमः, ओम जरा बाहर आइए। देखिए सर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के क्लॉट होने की वजह से पैरालिसिस का अटैक आया है। मतलब लकवा मारा है। डरने वाली कोई बात नहीं है, डोंट वरी। मेरी बताई हुई दवाइयों को कंटिन्यू कीजिए। ओके डॉक्टर ने क्या कहा? कहा कि फिक्र ना करें, ये ठीक हो जाएंगे। एक हफ्ते में इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। ऐसा नहीं आएगा। डिस्चार्ज करेंगे या अरे ऊपर भेजेंगे पता नहीं। कुछ भी मत कहिए पिताजी, सब ठीक हो जाएगा पिताजी। अब क्या ठीक होगा बेटा? मैं ऐसे हाल में अब क्या कर सकता हूँ बेटा? बैठो बेटा, बैठो। बचपन से मैंने तुम्हारी इच्छा, आकांक्षा, सपने, खुशियां क्या है कभी नहीं पूछा। पिताजी मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। करण बेटा देखो बेटा, टेढ़े मुंह से मंत्र पढ़कर उल्टे हाथ से तीर्थ दूंगा तो एक बार भगवान मेरी समस्या समझेंगे, पर लोग नहीं समझेंगे बेटा। ये मेरा दुर्भाग्य है, तुम्हें अपनी बहन की शादी करवानी होगी, घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी, ये सब तुम्हें ही करना होगा बेटा। इसीलिए तुम्हें मेरे काम को आगे बढ़ाकर चलते रहना होगा। ये कोई साधारण काम नहीं है, भगवान के निकट रहने वाला काम है। कहीं पीढ़ियों से हमारा वंश ये काम करता आ रहा है, वो हमारा हक है, उसे इतनी आसानी से खोना नहीं चाहिए बेटा। तुम्हें ये काम आगे बढ़ाना होगा करण। ऐसा कह रहा हूं सोचकर, मुझे गलत मत समझना, कहीं तुम्हारे भविष्य के साथ मैं धोखा तो नहीं कर रहा हूं ना? इसमें धोखे वाली क्या बात है? मैं कितना भी पढ़ूं, कोई भी काम करूं, सब आपकी खुशी के लिए है, है ना माँ? पिताजी को बताओ। पिताजी अगर आपको इससे खुशी तसल्ली मिलती है तो मैं इस भले काम को आगे बढ़ाऊं।